गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, बीए पार्ट सेकेंड ईयर की ड्राइंग एंड पेंटिंग की आज की क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पिछले कुछ वीडियोस में हमने बाघ गुफाओं और वहाँ बने चित्रों के बारे में हमने अध्ययन किया था। आज के इस वीडियो में हमारा नया टॉपिक है सिगिरिया की गुफाएं। सिगिरिया की गुफाएं। सबसे पहले आज हम सिगिरिया गुफाओं की स्थिति और इसके परिचय के बारे में पढ़ेंगे कि ये गुफाएं कहाँ स्थित हैं और यहाँ हमें क्या प्राप्त होता है। तो यदि हम स्थिति की बात करें कि ये कहाँ स्थित हैं, तो सिगिरिया की गुफाएं कोलंबो यानी श्रीलंका की राजधानी कोलंबो के उत्तर पूर्व में लगभग 108 किलोमीटर दूर मटाले जिले में सिंगगिरी कस्बे के पास ही एक जंगल में, जो काफ़ी सघन जंगल है, वहाँ एकाकी 600 फुट ऊंची सौंदर्यमयी एक शैल खंड दिखाई देता है, जो कि मीनार के समान तलहटी के उथले भाग में स्थित है। इस शैल खंड का आकार यदि हम दूर से देखें तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे यह सुस्ताते हुए सिंह का आकार है, यानी यह शैल खंड सुस्ताते हुए सिंह के समान दिखाई देता है और इसी कारण इसे सिंहगिरी नाम से पुकारा जाने लगा, जो कालांतर में जाकर सिगिरिया कहलाया, यानी यही सिगिरिया है। इस शिखर के निकट ही दो उथली खोहों में यानी दो पार्ट्स में कुछ चित्र अंकित हैं, जो आज विश्व भर में प्रसिद्ध है। छठी शताब्दी का ग्रंथ महावंश जिसमें सिगिरिया की गुफाओं का एक रहस्यमय संदर्भ हमें मिलता है, जो इस प्रकार है कि चौथी शताब्दी के आसपास यहाँ धातुसेन नामक एक नीति निपुण, धर्मपरायण और प्रजा रक्षक राजा शासन किया करता था। वह 461 ईस्वी से 469 ईस्वी तक शासनाध्यक्ष रहा, शासन करता रहा। उसकी प्रतिष्ठा एक अच्छे प्रजापालक के रूप में चारों दिशाओं में फैली हुई थी। वह धार्मिक प्रवृत्ति का था, जिसके कारण उसने कई विहारों और सरोवरों का निर्माण करवाया। धातुसेन महाराजा ने दो विवाह किए थे और दोनों रानियों के दो बच्चे, एक पुत्री और एक पुत्र थे, जो क्रमशः मोगलायन और कश्यप प्रथम थे। महाराजा के दामाद ने अपने ससुर के द्वारा अपनी माता को जिंदा जला डालने के प्रतिशोध में अपने दोनों सालों के बीच में, जो दोनों रानियों के बेटे थे, उनके दोनों के बीच में फूट डलवा दी थी, विग्रह करवा दिया था। जो पहली रानी का पुत्र था मोगलायन, वह अपनी प्राणों की रक्षा के लिए यानी अपनी जान बचा करके भारत आ गया था, और जो दूसरी रानी का बेटा था कश्यप, उसने अपने ही पिता को दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। कहा जाता है कि बाद में उसे प्रायश्चित हुआ इस चीज़ का, और अपने प्रायश्चित स्वरूप उसने, कश्यप ने सिगिरिया स्थान पर एकांतवास के लिए वह यहाँ आ गया था और यहाँ उसने राज प्रासाद बनवाए और
गुफाएं भी खुदवाईं। इस कथा के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि इन गुफाओं का उत्खनन कार्य धातुसेन ने ही बौद्ध भिक्षुओं के लिए करवाया होगा, और धार्मिक स्थान होने के कारण कश्यप यहाँ आया था और उसी ने अपने प्रवास काल में यहाँ पर चित्रण कार्य करवाया होगा। इसके बाद हमें ये जानना आवश्यक है कि इन गुफाओं की खोज किस प्रकार हुई, अर्थात अगला पॉइंट आता है चित्रों की खोज। कई वर्षों तक, यानी सैकड़ों वर्षों तक, ये असुरक्षित और अंधकार में रहने के बाद सन 1830 में ब्रिटिश फौज के एक पदाधिकारी मेजर फॉर्मस को एक यात्रा के दौरान, जब वे किसी यात्रा पर निकले थे, तब उस यात्रा के दौरान इन गुफाओं का, यानी सिगिरिया की गुफाओं का पता चला। सन 1889 ईस्वी में विद्वान थे ए मुरे, इन्होंने यहाँ के चित्रों की कई प्रतिलिपियाँ तैयार की, जिनमें 13 आकृतियों की पेस्टल रंगों में प्रतिकृतियाँ बनाई, और बाकी की जो चित्र बचे थे उनकी रंगीन छाया चित्रों के द्वारा प्रतिकृतियाँ बनाई, जो कि आज भी कोलंबो संग्रहालय, यानी कोलंबो के म्यूज़ियम में हमें सुरक्षित मिलती हैं। इसके बाद श्रीलंका की सरकार ने सन 1895 ईस्वी से सन 1905 ईस्वी तक एच सी पीवेल, जो कि उस समय पुरातत्व विभाग के कमिश्नर थे, उनके निर्देशन में सिगिरिया की गुफाओं का जीर्णोद्धार तथा सुरक्षा की व्यवस्था प्रारंभ करवाई गई। ध्यान दीजिए, एच सी पीवेल, जो कि पुरातत्व विभाग में उस समय कमिश्नर थे, उनके निर्देशन में, यानी उनके डायरेक्शन में सिगिरिया गुफाओं का जीर्णोद्धार और सुरक्षा की व्यवस्था करवाई गई। इस योजना के अधीन, यानी इस योजना के अंतर्गत चित्रों के ऊपर तारों की जाली लगाकर उन्हें सुरक्षित किया गया, और यहाँ तक जो मार्ग आता था, जो कि जंगल से होके आता था, उस मार्ग को ठीक करवाया गया, यानी आने जाने के लिए सुलभ करवाया गया, ठीक करवाया गया। अब अधिकारियों को, श्रीलंका के जो अधिकारी थे, उनको ये विश्वास हो गया था कि ये गुफाएं लगभग अब आगे के लिए सदा के लिए ठीक हो गई हैं, सुरक्षित हो गई हैं। किंतु सन 1967 ईस्वी में 14 अक्टूबर की रात को चित्रों का, यहाँ जो सिगिरिया के चित्रों का एक भाग दुर्भाग्यवश गिर गया, या फिर हो सकता है कि कोई अवांछनीय तत्वों ने इन चित्रों को नष्ट करके इन्हें हानि पहुंचाई हो। इन चित्रों को छोड़कर जो सुरक्षित चित्र बचे थे, वे भारत और कई विदेशी देश, जैसे इटली, कनाडा और अमेरिका, इन सभी के सुरक्षा विशेषज्ञों के सहयोग से इन्हें पुनः ठीक किया गया। इटली के कला विशेषज्ञ डॉक्टर लुसियानो मेरेजी, इटली के जो कला विशेषज्ञ थे, जिनका नाम था डॉक्टर लुसियानो मेरेजी, इन्हें ये कार्य करने के लिए रोम के सांस्कृतिक निधि सुरक्षा संस्थान, के द्वारा इस काम के लिए यहाँ पर नियुक्त किया गया था। अब यदि हम बात करें कि इन चित्रों का रचनाकाल या समय क्या था, तो आता है कि अगला पॉइंट जो बनता है, वह बनता है चित्रों का रचनाकाल या इन चित्रों का समय। तो सिगिरिया की जो गुफाएं,
हैं ये 5वीं शताब्दी में निर्मित हुई थी। उस समय वहाँ कश्यप प्रथम का शासन था, जैसा मैंने पहले बताया। और एक अन्य प्रमाण और मिलता है जिससे ऐसा ज्ञात होता है कि सिंघल की चित्रकला का इतिहास ईसा पूर्व 2री सदी में बौद्ध ग्रंथ विशुद्धि मग्ग से मिलता है। 2री सदी का जो बौद्ध ग्रंथ है विशुद्धि मग्ग, उससे मिलता है। कई विवेचकों का ये भी कहना है कि अजंता की गुफा संख्या 9 और 10 के चित्र ईसा पूर्व 2री शताब्दी के मध्य के ही आते हैं। अतः जो श्रीलंका की चित्रकला जो हमें दिखाई देती है वह इसी के समान हमें दृष्टिगोचर होती है। इसके बाद है इन चित्रों की तकनीक या चित्रण विधि तथा रंग। सिगिरिया में जो चित्र तैयार किए गए वे पहले से तैयार किए गए धरातल पर बनाए गए हैं। दीवार की पहली सतह को तैयार करने के लिए खड़िया मिट्टी, चावल की भूसी और कुछ नारियल के जो रेशे होते हैं उनको, वहाँ की कोई स्थानीय लाल मिट्टी है उसके मिश्रण में लेप बनाकर तैयार किया गया है। फिर इसके बाद इसके ऊपर बालू, चूना, मिट्टी और वानस्पतिक चूर्ण का मिश्रण मिलाया गया। और फिर जो इसका तीसरा स्तर आता है उसमें 1/2 इंच के मोटे बालू तथा चूने के प्लास्टर से इसे तैयार किया गया है। श्री बेले विद्वान हैं, श्री बेले, उनके अनुसार ये चित्र सूखे धरातल पर टेम्परा रंगों से बनाए गए हैं। जो विद्वान हैं श्री बेले, श्री बेल, उनका मत है कि ये चित्र सूखे धरातल पर टेम्परा रंगों से बनाए गए हैं। और यहाँ पर चित्रकार ने लाल, पीले, काले, सफ़ेद तथा हरे रंगों का ही प्रयोग किया है। किंतु डॉक्टर गिरिराज किशोर अग्रवाल ने अपनी पुस्तक जो है, डॉक्टर गिरिराज किशोर अग्रवाल की जो पुस्तक है जिसका नाम है कला और कलम, कला और कलम, इसमें उन्होंने इन चित्रों की जानकारी दी है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि इन चित्रों का अंकन, जो सिगिरिया के जो चित्र हैं उनका अंकन गीली दीवार पर किया गया है। उनके अनुसार गीली दीवार पर लाल और काले रंग से पहले रेखांकन किया गया, यानी स्केच किया गया, और उसके बाद रंग भरे गए हैं, क्योंकि चित्रों के आसपास कुछ अतिरिक्त रेखाएं, यानी एक्स्ट्रा लाइंस भी स्पष्ट दिखाई दे रही हैं, जिससे ये स्पष्ट हो जाता है कि गीले धरातल पर ही चित्र बनाए गए हैं। क्योंकि जब हम गीले धरातल पर कोई चित्र बनाते हैं या किसी चीज़ का अंकन करते हैं तो उस पर जो हम रंग लगाते हैं या कोई लाइन खींचते हैं रंग से, तो वह थोड़ा आसपास से फैल जाता है, क्योंकि वो पानी से गीला है। और जबकि सूखे रंग से जब हम बनाते हैं, सूखे धरातल पर जब हम बनाते हैं, तो रंग स्थायी हो जाता है। और इसी फैलाव की वजह से डॉक्टर गिरिराज किशोर अग्रवाल का मानना है कि ये चित्र जो हैं सिगिरिया के, वो गीली दीवार पर बनाए गए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो चित्रों की लाइनें हैं वो फैली हुई हैं, जिससे ये हमें स्पष्ट पता चलता है कि ये गीले धरातल पर बनी हुई हैं। इसके बाद आता है चित्रों की विशेषताएं। चित्रों की विशेषताएं, यदि हम शैली की बात करें, इन चित्रों की शैली की बात करें, तो शैली की दृष्टि से सिगिरिया की जो अंकन प्रणाली है वह लगभग अजंता जैसी है। स्त्रियों की आकृतियां कांतिमय हैं और उनमें कोमलता है। मुद्राएं मनोहर हैं, रूप सजीव और गतिशील हैं। चेहरों पर उल्लास और प्रसन्नता का भाव
स्पष्टतया हमें दिखाई देता है। रेखाओं की बात करें तो रेखाओं द्वारा आकृतियों में समान रूप से उभार दर्शाया गया है। चित्रकार ने इन चित्रों में आंगिक गठनशीलता, रूप सज्जा, प्रसाधन, आंतरिक भावाभिव्यक्ति और शारीरिक सौंदर्य आदि सभी कुछ प्रस्तुत करने में अपनी पूरी रुचि दिखाई है। विन्यास की यहाँ पर शिथिलता बाधक है, जो जैसा कि हमें अजंता में हेयर स्टाइल काफ़ी ऊंचे स्तर के दिखाई देते हैं, जो विन्यास है वहाँ का केश विन्यास वो काफ़ी ऊंचे दर्जे का हमें दिखाई देता है, वही यहाँ पर विन्यास जो है वह शिथिलता बाधक दिखाई देता है। प्रवाह और गति में भी कहीं कहीं अवरोध दिखाई देता है। यहाँ पर दो चित्रित खोहे हैं जिनमें कुल 6 गुफाएं हैं, किंतु समुचित और महत्वपूर्ण जो चित्र हैं वो सिर्फ 2 गुफाओं में ही अब शेष बचे हैं। इन गुफाओं को विंसेंट स्मिथ विद्वान हैं, उन्होंने इन्हें जो नाम दिया है वो दिया है ए और बी। इन्हीं नामों से उन्होंने इन गुफाओं को संबोधित किया है। क्या नाम है? ए और बी। वास्तविक रूप में ये 2 प्राकृतिक कक्षों से एक गुफा बन जाती है जो 6.5 फुट लंबी है और टेढ़ी मेढ़ी चट्टानों से विभाजित है। इस प्रकार प्रथम कक्ष ए जो कि 26.5 फुट और द्वितीय कक्ष बी जो कि 41.5 फुट लंबा है। यहाँ पर कुल 21 रूपायणी स्त्रियों के चित्र बने हैं। कुल 21 रूपायणी स्त्रियों के चित्र बने हैं जिसमें 4 चित्र गुफा ए में हैं और 17 चित्र गुफा बी में सुरक्षित हैं। ये चित्र मानव आकार से कुछ छोटे बने हैं। प्रत्येक आकृति सौंदर्य से परिपूर्ण है, किंतु हर आकृति आलस्यमय तंद्रा में विचरण करती हुई सी प्रतीत होती है, यानी उन चेहरों के ऊपर आलस का सा भाव दिखाई देता है। पहले कक्ष वाली नारियां जो चित्रित हैं वे अति लंबी हैं, तो दूसरे कक्ष में जो नारियां चित्रित हैं वो कुछ उससे छोटी बनी हुई हैं। लंबाई के इसी अनुपात को ध्यान में रखते हुए उनके चेहरों की लंबाई रूप सौष्ठव, सुष्मित सुकौमार्य, प्रलंब यौवन, क्षीण कटी और आजानुबाहु के मध्य अछूते उन्नत उरोज इस युग की कलाभिरुचि के प्रमुख उदाहरण रहे हैं। यहाँ पर एक चित्र है जिसका नाम है एक जुलूस। इस चित्र में कुछ कुलीन महिलाओं के हाथों में पुष्प हैं या पुष्पों का भरा थाल लिए परिचारिकाओं सहित बौद्ध मठ की ओर पूजा करने ये स्त्रियां जा रही हैं। यहाँ बौद्ध मंदिर निर्मित है। सभी स्त्रियों ने कमर के नीचे वस्त्र धारण किए हुए हैं और कुछ स्त्रियों के ऊपर कोहनी तक आस्तीनदार चोली या कंचुकी पहनी हुई है। कुछ स्त्रियां अर्धनग्न हैं, सिर पर अनेक प्रकार के केश विन्यास हैं और ये सभी आभूषणों से सुसज्जित हैं। इन चित्रों के नीचे की ओर जहां ये आकृतियां बनी हुई हैं उनके नीचे की ओर बादल बनाए गए हैं, जिसके कारण कुछ विद्वान इन्हें देवांगनाएं मानते हैं, क्योंकि एक स्त्री के हाथ में जल उछालने का एक छोटा सा उपकरण या कोई पात्र भी है, तो कुछ विद्वान इन्हें सम्राट कश्यप की रानियां मानते हैं जो सम्राट की मृत्यु से शोकार्त होकर शव पर पुष्प वर्षा कर रही हैं। वर्तमान पुरातात्विकों के अनुसार यहाँ मेघ कन्याओं के अतिरिक्त कुछ नहीं है,
यदि हम वर्तमान पुरातत्व वेत्ताओं की बात माने तो वे कहते हैं कि ये मेघ कन्याएं हैं या फिर इन आकृतियों को दिव्य और भव्य रूप प्रदान करने के लिए इन्हें बादलों के मध्य बनाकर भव्य रूप प्रदान किया गया है। स्त्रियों की आंखों की जो पुतलियां हैं कहीं काली हैं, कहीं पर हल्की पीली हैं, तो कहीं हरिताप यानी कुछ हल्की हरापन लिए हुए बनाई गई हैं। शरीर में प्रायः हरा, पीला या नारंगी रंग भरा गया है। इस प्रकार यदि हम देखें तो सिगिरिया के जो सभी नारी चित्र हैं या अप्सराएं हैं, वे या तो अकेले बनाई गई हैं या युग्म रूप में यानी ग्रुप रूप में चित्रित की गई है। सिगिरिया में अजंता की तरह आकृतियों की भीड़ भाड़ हमें दिखाई नहीं देती है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।